नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। कई बार सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसी कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं जिन घटनाओं को देखने के बाद उनके सुरक्षित निराकरण की जगह हम उसका वीडियो बनाने लगते हैं। भोपाल में भी ऐसा ही हुआ जब यहां के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के एक मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। हाथ में तिरंगा लेकर ये युवक देश के तमाम मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था और आत्महत्या कर लेगा ऐसी आशंकाएं निर्मित कर रहा था। जब ये युवक टावर पर चढ़ा था तो यहां मौजूद लोग इसका वीडियो बनाने में जुट गए, लेकिन इसी दौरान पुलिस पहुंची। पुलिस के एक जाबाज अफसर स्थानीय के TI जहीर खान पहुंचे और जहीर खान ने खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर टावर पर चढ़कर इस युवक को, जो कि इस मौके तक बेहोश हो चुका था, उसे सुरक्षित टावर से नीचे निकाला। जहीर खान के इंटरव्यू को आपको सुनना चाहिए। ऐसी घटनाओं के दौरान पुलिस क्या करती है और एक जिम्मेदार नागरिक को क्या करना चाहिए, जहीर खान की इस बाइट के जरिए आप समझ सकते हैं। जहीर खान शाहजहानाबाद थाने में TI हैं। इस युवक को बचाने के बाद उन्होंने पत्रकारों को जो प्रतिक्रिया दी वो सुनने लायक है। देखिए, जहाँ रिस्क की बात आती है वो पुलिस पहले आती है, और कोई रिस्क का काम और पुलिस ना चढ़े ऐसा कैसे हो सकता है। और जहाँ तक मैं थाना प्रभारी हूँ, मैं सोचता हूँ जब रिस्क लेना है तो मैं ही ले लेता हूँ ना, किसी और की जान जोखिम में छोड़ा। टावर 110 फीट ऊंचा है, वहाँ से आप इसको लेके आए, किस तरह मशक्कत की आपने इसको नीचे लाने में, कैसा महसूस किया? 90 मीटर ऊपर ऊंचा टावर है, ऊपर से भोपाल बड़ा खूबसूरत दिखता है। ये एक अवसर भी था भोपाल को ऊपर से देखने का, बहुत अच्छा देखा। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा ये था कि जब मैं ऊपर पहुंचा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये जो लड़का है ये लगभग बेहोश जैसी स्थिति में था। इसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, इसको लग रहा था शायद इसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो वहाँ पानी पिला के हाथ पे रगड़ के जैसे तैसे मैंने उसको होश में लाया। मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसको नीचे कैसे लेके आऊंगा। फिर जब ये बात करने की सिचुएशन में आया तो 2 घूंट पानी पिला के बड़ी मुश्किल में इसको बिठा पाए। फायर के कर्मचारी भी थे, कलीम भाई, वो भी आ गए थे थोड़ी देर बाद में, उसको बिठाया, इससे बात की, हम लोगों ने बात की। बात करने के बाद उसको समझा, बानपुर का रहने वाला व्यक्ति है, बहुत सारी समस्याएं, उसकी पारिवारिक समस्याएं भी हैं, समाज से भी समस्याएं हैं, देश से भी समस्याएं हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं। बड़ा लंबा छोटा चिट्ठा है उसने दिया हुआ है, एक पूरा पत्र है जिसमें उसको विशेष रूप से जो उसने बताया कि मजदूरी को लेकर समस्या है। वो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर का काम भी करता था, उसका कहना था कि मजदूरी थोड़ी सी बढ़ाई जाए, मजदूरी काफी कम है। इसके अलावा कुछ चीज़ों में उसकी बेटी एक्सपायर हुई बता रहा था, तो बेटी जिस वजह से एक्सपायर हुई उसको लेके उसमें वो काफी रुस्ता है कि लेके मेरी बेटी एक्सपायर हो गई, मेरे 30,000 रुपए लग गए। तो सारी सिचुएशन से एक डिसअपॉइंटेड बंदा है, बहुत दुखी था। क्या नाम क्या है उसका सर, कहाँ का रहने वाला ये? इसने अपना नाम अभी तो अर्जुन ही बताया है, अब आगे जाके हम पता करते हैं कि है क्या। सर, आपने बगैर ज्यादा साधन के इतना बड़ा रिस्क ले लिया, सर कैसे महसूस किया आपने ऊपर चढ़ते समय? मुझे लगा वीडियो बनाने से अच्छा ऊपर चढ़ना है। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय जहीर खान जी का, उन्होंने साहस का परिचय दिया और जान बचाई है। और निश्चित रूप से मैं PH उसको निर्देश करूंगा कि उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार के हकदार भी हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।